जिंदगी में अगर वक्त आ जाए ना कि दो आमने सामने हो जाओ जमीन ले, तो मैं तेन अल्लाह के महबूब के फरमान का मफहूम सुना लगा जी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हक पर भी हो लेकिन सिर्फ इसलिए अपने भाई का गिरेबान ना पकड़े कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना पसंद है, वो पीछे हट जाए, दस्तबरदार हो जाए, अपना हिस्सा छोड़ दे, गिरेबान ना पकड़े, तो हुज़ूर फरमा रहे मैं उसे जन्नत में अल्लाह से लेके दूंगा। जे कभी वक्त आया तो वेख लियो, ए लैनी जे कि वो लैनी जे, वेख लियो उधर तो ए लैनी है कि वो लैनी है, ध्यान रखना। वो सारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आके अर्ज की हजरत ये जमीन का एक टुकड़ा है, तो ये आपस में को थोड़ा झगड़ा हो गया, ये कहता है जी मेरी है, ये कहता है मेरी है, और हमने भी सुना इसी की है, ये कहता है मेरी है, हमने फैसला किया नहीं हुआ हमसे, तो आप अल्लाह के नबी हैं, आप जरा फैसला फरमा दें। तो कुछ होते हैं ना एवं एक्स्ट्रा से आने, वहां भी एक बैठा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज करता है हजरत इस तरह करो कल्या कल इन्हों की गल सुनो तुम आपे पता चल जाएगा सच्चा केड़ा ते झूठा केड़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे नहीं पूछने की जरूरत, और मुझे तो अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है, मैं जमीन से पूछ लूंगा बता तू किसकी है, मुझे तो अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, हाँ मुझे तो अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी है। वो सारा बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मैयत में उस जगह पहुंचा, जमीन की निशानदेही की गई, हजरत ऐ जमीन जी, तस्वीर में लिखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर खड़े हुए जलवागर हुए, और जमीन को मुखातिब करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जमीन से पूछते हैं ये जैद दावा करता है कि तू मेरी है, ये बकर दावा करता है कि तू मेरी है, अब मैं तुझे पूछता हूं कि तू बता तू दोनों में से किसकी है, है? तो तस्वीर में लिखा है कि जमीन बोल उठी, पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया, और सलाम पेश करने के बाद अर्ज कर दी हुजूर दोए झूठ बोल दे, ना मैं ए दी ना मैं ओ दी, इन्हां को तैयारी करन दोए मेरे ने। हाँ असी सारी जिंदगी आई खेडते रहने हैं, मेरी है, मेरी है, मेरी है, तेरी कितों आ गई, मैं तेरी नहीं तू ऐदा है, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गोरे सिकंदर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ जी तैयारी करो, तैयारी करो, जाने पाइए तू नमाज की पाबंदी करो, झूठ ना बोलो, किसी ने धोखा ना दो, अपने अल्लाह ते यकीन रखो, और हर शय ना वध के अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाल मोहब्बत करो यार, जाने पाई जाने मियाँ, जाने ही जाने, इत्थे नहीं रहना जी, इत्थे नहीं रहना है, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुरगाइया, चौरा नुकरा मौत ने मलिया, फजल करी रब साइया है, ओ लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद कर जांदी ने डरना है। अज अज करो अदरे जी, अज साह भी ने खुले राह भी ने, अटोक अनोखड़े टुकने नहीं, ओ टुर पईए ते मंजिला मुक जावन, घर बैठियां दे पैंडे मुकने नहीं, टुरो यार टुरो, चस्के छड़ दो खुदा दा वास्ता, जे हथ जोड़ के कहन दे चस्के छड़ दो, और बंदे बनो यार, बंदे बनो, बंदे बनो, पछानू असी की करन आए हैं, क्यों सानू अल्लाह ने बनाया है, और अपने अल्लाह ना लो लाओ, कोई नमाज ना छड़ो, सब तो पहले बरोजे कयामत नमाज अलू पूछा जाना जी, सब तो पहले खूब नमाज पढ़ो, खूब अपने और पढ़ के वेखो यार, ए तुम कहो वेखो जी सारे तो पढ़न डे देने, नहीं भाई ए सही पढ़ते ही नहीं है, इन्हें तो किसी आलमी दीन को नमाज सीखी नहीं, हाँ जे वेख नहीं नमाज की कर दी तो जा बाबे फरीद नू वेख जा के, फिर जे वेख नहीं कि नमाज की कर दी तो हजरत सुल्तान बाहू नू देख जा के, मैं ए तो जिन्हें साढ़े नमाजी ने सीखते ही नहीं कख भी, ता ही तो हजरत उम्र लंघ गई नमाजा पढ़ते हैं, बदले ही नहीं जरा जी हजरत, इन्हें इन्हें साल नमाज पढ़ के इन्होंने मुँह से दाड़ियाँ कोई नहीं, हाँ नमाज से बेहियाई तो बुरे कामों तू रोक दी, इन्हें इन्हें साल हो गए क्यों नहीं रुके है, क्योंकि नमाज आंदी ही नहीं है, सीखी नहीं।